हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 8 और अभी अभी उठे हम लोग। बाकी बंधु थोड़ी जल्दी उठ गए थे हमारे से पहले, 10-15 मिनट पहले उठ गए थे, तो ये आटा गूंद रहे हैं। बाकी ज्योति तो आज भी सोए हुए। उठ गए आप? सच में उठ गए? बिस्तरे में है, नींद में है, लेकिन अंदर से उठ चुके हैं। ये ऐसा सोच रहे कि मैं उठ चुकी हूँ। और तो गाइस, अब एक बार तो हमेशा की तरह हमारा यही काम है, ब्रेकफास्ट बनाओ और लंच बनाओ। हम जल्दी तो उठते नहीं है कि हम लोग कुछ और कर पाए। यही होता है हमारे पास, ब्रेकफास्ट और लंच बनाना, क्योंकि इतना ही टाइम होता है। फिर नहाना, तैयार होना। तो देखते हैं आज हम लोग क्या बनाए, ब्रेकफास्ट में और लंच में क्या बनाए। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाए। आलू चढ़ाए हमने, अब हम थोड़े कंफ्यूज है, सब्जी बनाए या उसका परांठा बनाए, तो डिसाइड करते एक बार। ये हमारी बंधु जो सबसे पहले उठती है खाना बनाने के लिए, और इसने आटा गूंद लिया। और इसकी मेहंदी दिखाती हूँ हम लोगों को गाइस। इसकी मेहंदी बहुत ही सुंदर, और इसने यहाँ पेड़ बनाए है। किस चीज के पेड़ है पता नहीं, आधे अधूरे पेड़। हाँ, ये हमने आलू चढ़ाए, सब्जी बनाए या परांठा बनाए, सोचते हैं। गाइस, ये लड़की उठ चुकी है, बट लग नहीं रहा हमारे को ये उठी है। वंदना, ज्योति उठ गई है ना? बालों के लिए यार रबड़ का है मेरा, यार रबड़ ढूंढ ना मेरा। गाइस, ये शर्म होनी चाहिए थोड़ी देर। सुनो मेरी बोतल गर्म पानी की, प्लीज ये पीने
मेरे पानी भी बोतल बोतल में रबड़ का है, बाकी ग्रीन वाला रबड़ का है, उसको दो पीस दे करूंगी मैं बालों का। कैचर कैचर नहीं रखता चूते में। अरे यार मुझे रबड़ तो दो प्लीज। मेरे बैग में पुलिस को कहा है पता था कि मैं बैग की दिख गया। अब तो इधर को यार कहां से तुम अपनी जाओ तो ना मेरे सारे मेरी पानी की बोतल भर ले जा जो भी। सॉरी गाइस मुझे गिनती में इंग्लिश स्कूल में भूल गई। इंग्लिश गिनती में कितने वैसे ही हां क्या गया वो एक एक इसमें बाद में ले ली वो पर कोई बात नहीं मैं बुला दूंगी इसको लंच बॉक्स तो मांगने। यार मैं को अभी नहीं खा पाई इसकी ये दोनों देखो कितने आगे निकल चुके मुझसे। हाँ मैं थक गई हूँ, अभी 8 मिनट बचे ऑफिस पहुँचने के लिए। ये दोनों को तो पता भी नहीं मैं पीछे नहीं हूँ। जब हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं और 4 मिनट पहले पहुंचे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी तो यहाँ काउच पे ही बैठे। उसके बाद जाएंगे ऊपर हमारे फ्लोर पे और धक 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 कर इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और यहाँ स्नेहा भी पहुंच गई है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। स्नेहा भी पहुंच गई है और आंटी भी अपने काम में लगे। अब इस लड़की का हमेशा अंगूठा नहीं लगता, क्या सीन है। अब हम सबका लंच हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ धूप में बैठे। वैसे टाइम तो हो गया, हमारी ब्रेक भी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और दो बेसुरे मुझे यहाँ गाना सुना रहे हैं। देखने इनके ऑफिस में क्या काम रहते हैं गाइस। देखो ऑफिस में बैठ कैसा होता है। इसने मुझे उसने आना सी चीज दिखा दी थी, बस अच्छी बाल बनाए इसने। दिल में क्यों दर्द हो रहा है। चुप रहो तुम, मुझे देख चुप रहो तुम, बुलाई चलिए ये बंद करो। अच्छा Thank you.
जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। हल्ले हल्ले उसका अच्छा है, ऐसा नहीं गाना है। साजना हम भी पीछे है तुम्हारे, हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे बालमा। चलो बंद कर जा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं रूम, और आज हम लोग 7 बजे पहुंचे। आज सर ने हमारे को 20 मिनट पहले छोड़ दिया था। अभी हमारे प्रॉपर काम नहीं हो रहा ना, हमारा काम नहीं हो रहा, इसलिए बस आज के दिन छोड़ दिया। अब कल से तो 7 बजे ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 9 घंटे पूरा करना पड़ता है ऑफिस में, 10 से 7 की शिफ्ट है। तो वंदु तो अभी आई नहीं, उसको तो 7 बजे होता है उसका ऑफ, तो 7 बजे वो आएगी। तब तक हम दोनों कपड़े चेंज करके मज़े से लेट जाते हैं, और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद देखेंगे खाने का क्या सीन है, क्या बनाते हैं खाने में आज। अब वंदना भी आ चुकी है रूम, और अब हम लोग खाना बनाने की सोच रहे हैं, पुलाव बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत आलस आ रहा है खाना बनाने को, थक गए बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे कि हम काम करने जाते खेतों में, वैसे थके होते हैं हम लोग, शाम को बिल्कुल भी मन नहीं करता। हाँ आलस भी है थोड़ा, दही की वजह से भी। हमने वंदना को दही लाना बोला था, फिर वंदना दही भूल गए लाना, तो फिर हम अब सोच रहे कि हम खिचड़ी बनाते हैं, मतलब पुलाव बनाते हैं। नहीं तो हम लोग कुछ और बनाने वाले थे, और हमने दाल भी नहीं चलाई थी आज, तो अभी पुलाव बना रहे हैं हम लोग। जल्दी बनती हो पुलाव, और टाइम भी अभी 8:30 हो रहे हैं। तो बेचारे ज्योति सब्जी काट रहे हैं अंदर, पुलाव बना रहे हैं। आपको हेल्प चाहिए मेरी? मुझे पता था। डब्बे में किस खाने में आटा डालना है, किसमें? डब्बे में। हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला। हाँ, और ये लड़की तो ऑफिस से आते ही सो गई है। वंदु कुरकुरे खाएगी? अच्छा अब नहीं आ रही नींद। और वो काम कर रही है। अच्छा बना रहे हैं आप? और इन्होंने सब्जी भी काट दी कल सुबह के लिए। सुबह नहीं काटी है, खिचड़ी के लिए तो मैंने आज इसकी बना रही हूं। अच्छा गोभी की खिचड़ी? मैं सोचा पत्ता गोभी की बना रहे हैं आप। पत्ता गोभी गोभी की खिचड़ी। कल सुबह क्या बनाएंगे हम? है बच्ची भी और? बहुत बच्ची है, दो ही और खा लेते। ओके ओके ओके, गुड। बनाओ बनाओ मीठा खाने। आज हम मीठा नहीं लाए यार, वो जो है इस लड़की ने परसों का हलवा खाना है, पागल है, खाना है। चुप रह, ठंडा है वो और खराब भी है। मैं भी खा लूंगी फिर, गरम करेगी तो। चल ठीक है, उठ जा काम करते। पेन पेन हो रहा है, बैठे बैठे पेन हो रहा है बॉडी में। कैसे उठ गई एकदम से? तीन दिन पुराना हलवा खाने की तलब। डस्टबिन से निकाल के खा ले। पाओगे ऐसे ही तड़ पाओगे। डस्टबिन से निकाला है, कुछ नहीं है, ऊपर से निकाला है। सच में साइड में था, साइड में था। देख मैं खा के, मैं खा के दिखाऊं। साइड में था, कुछ नहीं होता है, डस्टबिन हमारा साफ है। मैं खा लूंगी, चलो खा खा। तो मैं नहीं खाऊंगी ना यार, मजाक कर रही हूँ। नहीं फेंका था, मजाक कर, खा ले। नहीं नहीं फेंका था यार, डस्टबिन से निकाला। गैस के ऊपर
गाइस 3 दिन पुराना हलवा खा रहे हम लोग, अगर बीमार हुए ना तब पता चलेगा हमारे को। और कल सुबह इसने मुझे ठंडा ठंडा ऐसे हलवा खिला दिया था, उसकी वजह से मुझे कल दिन भर पेट दर्द हो रही थी। अभी तो मैं बस थोड़ा सा खाया, नहीं खाऊंगी मैं। गाइस लोग ऐसे कैसे कर सकते, 3 दिन पुराना हलवा और 4 दिन पुरानी रोटी मजाक करूंगा, 4 दिन पुरानी रोटी नहीं है, सुबह की रोटी है। ये कैसा जानवर है, जितना भी खाता है मोटा नहीं होता, ये पतला का पतला ही रहता है।